मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले आपका क्या कहना। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं 5 अक्टूबर 2024। आज की मुरली के सार में बेहद के बाबा ने बेहद का सन्यास करने के लिए कहा कि तुम बच्चों को अब दुख धाम का सन्यास करना है, अर्थात पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, पुराने संबंध जो दुखदायी है उसका सन्यास करना है। और साथ में बाबा कहे घर बार का सन्यास नहीं करना है, इसमें रहते हुए बुद्धि से सन्यास करना है, इसलिए उसको गृहस्थ आश्रम कहा जाता है, इसको ही बेहद का सन्यास कहा जाता है। फिर घर की स्मृति दिलाते हुए कहा कि रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं कि तुम सब आत्माएं असल रहने वाली शांति धाम की हो। अभी तुम बच्चे शांति के सागर बाप से शांति का वर्षा पाते हो, इसलिए याद करते हैं हे शांति देवा। फिर कहा कि तुम आत्माएं अभी परमात्मा को याद इसलिए करते हो क्योंकि दुख और अशांति है, और इसका कारण है आत्माओं के सिर पर पापों का बोझा बहुत है। बाबा कहते हैं वह उतरेगा एक बाबा की याद से, योग अग्नि से आत्मा सच्चा सोना कुंदन बनती है। योग अग्नि में आत्मा जितनी तपती है उतना ही आत्मा सच्चा सोना बनती है। फिर श्रेष्ठ स्थिति में रहने के लिए कहा कि अब बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो, तुम अकाल मूरत आत्मा भ्रकुटी में विराजमान हो, यह भ्रकुटी तुम्हारा चैतन्य अकाल तखत है। और लास्ट में याद पर अटेंशन दिलाते कहा कि बाबा ने इशारा दिया है 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो, याद करते करते आखिरीन पवित्र बन बाबा के पास चले जाएंगे। और साथ में कहा कि यह ईश्वरीय पढ़ाई है, अभी तुम बच्चे 100% सेंसिबल बनते हो, सेंसिबल बनने से फिर 100% सुख भी पाते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के इन अनमोल मधुर महावाक्यों को विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों से दुख धाम का सन्यास कराने, यही है बेहद का सन्यास। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों से दुख धाम का सन्यास कराने, यही है बेहद का सन्यास। आज मुरली से प्रश्न है, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, वे सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो, घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो, तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले तो मनुष्यों को शांति चाहिए, आत्माएं सब असल रहने वाली शांति धाम की हैं। बाप तो है ही शांति का सागर, अभी तुम शांति का वर्षा प्राप्त करते हो। कहते हैं ना शांति देवा, अर्थात हमको इस सृष्टि से अपने घर शांति धाम ले जाओ अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे यह जाकर कहते हैं कि शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। बाबा कहे जाने अनजाने शांति मांगते ही है शांति सागर बाप से, अभी तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाप को याद करते करते तुमको शांति धाम में जाना है जरूर, नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर, क्योंकि बाबा कहते हैं घर तो वापस सबको जाना ही है, चाहे वो याद से जाए चाहे सजा खाकर जाए। याद इसलिए करते हो, बाबा कहे याद इसलिए करते हो कि पापों का बोझा जो सिर पर है वह सब खत्म हो जाए, शांति और सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वह सुख और शांति का सागर है, वह चीज ही मुख्य है। बाबा कहते हैं शांति ही मुख्य है, शांति को मुक्ति भी कहा जाता है, और फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अभी तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो, सतयुग में कोई बंधन नहीं होता है, गाया भी जाता है सहज जीवन मुक्ति व सहज सदगति,
अब दोनों का अर्थ तुम बच्चों ने समझा है। बाबा कहते हैं गति और सदगति, मुक्ति और जीवन मुक्ति का अर्थ अभी तुम बच्चों ने यथार्थ समझा है कि मुक्ति किसको और जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है। गति कहा जाता है शांति धाम को, सदगति कहा जाता है सुख धाम को। सुख धाम, शांति धाम, फिर यह है दुख धाम। तुम यहाँ बैठे हो, बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम घर को याद करो, आत्माओं को अपना घर भुला हुआ है। बाप आकर याद दिलाते हैं, समझाते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करेंगे। याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन फिर अपने घर जाएंगी। तुम बच्चे जानते हो यह अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। यह बना बनाया खेल है ना, यह बेहद का बाप समझाते हैं। उनको ही सत्य कहा जाता है। सत्य बातें तुम संगम पर ही सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। बाबा कहते हैं सत्य बात सुनकर तुम सत्य बनकर सत्य दुनिया सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। रावण अर्थात असुर ठहरा। असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते, इसलिए इसको कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठा है, अर्थात इसमें कोई भी स्थिरता या गारंटी नहीं है। आत्मा में संस्कार भरते है ना, चार धातु है ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सब खाद निकल जाती है। बाबा कहते हैं आत्मा झूठी क्यों होती है, क्योंकि खाद पड़ती है। अभी ज्ञान और योग के आधार से संस्कार परिवर्तन होते हैं तो सब खाद निकल जाती है। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो इस योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना हो ही, फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी बन जाते हो, फिर तांबे लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कल युग में, फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी, तांबा, लोहा की खाद पड़ती है वह निकल जाती है। पहले तो तुम सब आत्माएं शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, तो उसको कहा जाता है गोल्डन एज। तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज यहाँ कहा जाता है दुनिया में। शांति धाम में तो शांति है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री नहीं होती है, और आज बाबा कहते हैं शांति धाम में भी यह कोई स्टेजेस आदि नहीं होती है, हिस्ट्री आदि नहीं होती है, यह सब इस सृष्टि पर होती है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एज कहा जाता है, फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती है। सतो प्रधान पांच तत्वों से शरीर बनता है। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में जाकर आयरन एज शरीर मिलता है, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है, तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता है। तो अब बच्चों को क्या करना है? बाबा कहते सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया, अब बच्चों को क्या करना है, कौन सी एज में जाना है? गोल्डन एज में। पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को याद करना है, तब ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता है जितना टाइम बाप यहाँ रहते हैं। वह शिव बाबा गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं, तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहा जाता है यह गोल्डन एज जीव आत्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एज आत्मा, नहीं, गोल्डन एज जीव आत्मा, फिर सिल्वर एज जीव आत्मा होती है, क्योंकि बाबा कहते हैं सिर्फ आत्मा नहीं, आत्मा के साथ शरीर भी होता है। यहाँ तुम बैठे हो, तुमको शांति भी है, सुख भी प्राप्त होता है, तो क्या करना चाहिए? बाबा कहते हैं संगम पर दोनों की अनुभूति होती है, तो क्या करना है? दुख धाम का संन्यास करना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। उन सन्यासियों का है हद का संन्यास। घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। उनको यह पता नहीं है कि सारी सृष्टि ही जंगल है।
यह कांटों का जंगल है, यह है कांटों की दुनिया, वह है सतयुग फूलों की दुनिया। वह भल संन्यास करते हैं, परंतु फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते हैं। उन्हों का है निवृत्ति मार्ग, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे, अभी अपवित्र बने हो। उनको गृहस्थ आश्रम भी कहते हैं। बाबा कहते हैं पवित्र जोड़ी जहाँ रहते हैं सतयुग में, उनको पवित्र गृहस्थ आश्रम भी कहा जाता है। सन्यासी तो आते ही है बाद में, इस्लामी बौद्धी भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन से कुछ पहले आते हैं। तो यह जाड़ भी याद करना है, चक्र भी याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुमको ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर नहीं कहा जाता। यह महिमा एक ही बाप की है, जो तुमको ऐसा बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं जैसा हूँ, तुम बच्चों को आकर ऐसा बनाता हूँ। बाप की यह महिमा सदैव के लिए है। सदैव वह पवित्र है और निराकार है, सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं पावन बनाने। सर्वव्यापी की तो बात ही नहीं। तुम जानते हो बाप सदैव वहाँ ही परम धाम में रहते हैं, भक्ति मार्ग में सदैव उनको याद करते हैं। सतयुग में तो याद करने की दरकार नहीं रहती। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना अर्थात याद करना शुरू होता है, वही आकर सुख शांति देते हैं, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाबा कहते हैं मैं ही तुमको सुख शांति देकर जाता हूँ, फिर जब तुम दुखी अशांत होते हो तो मुझे ही याद करते हो। बाप समझाते हैं हर 5000 वर्ष बाद में आता हूँ, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता है। इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान, उसके बाद फिर और विकार आते हैं। अब बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। आत्मा की ही पहचान चाहिए। मनुष्य तो सिर्फ कहते हैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में चमकती है। अभी तुम समझते हो वह है अकाल मूरत। उस अकाल मूरत आत्मा का तखत यह शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रकुटी में है, अकाल मूरत का यह तखत है भ्रकुटी। यह चैतन्य अकाल तखत है। बाबा कहते हैं जिस तखत पर शरीर बैठता है वह जड़ तखत है, आत्मा जहाँ बैठती है शरीर में वह है चैतन्य तखत। वह अकाल तखत नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया है। बाप ने समझाया है जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तखत है। आत्मा आकर यहाँ भ्रकुटी में विराजमान होती है, सतयुग हो या कलयुग हो। बाबा कहते हैं कोई भी युग में आत्मा तो भ्रकुटी के बीच में ही निवास करती है। आत्मा का तखत है ही यह मनुष्य शरीर, तो कितने अकाल तखत हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के तखत हैं। आत्मा एक तखत शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। पहले छोटा तखत होता है अर्थात छोटा शरीर होता है, फिर बड़ा होता है। यह शरीर रूपी तखत छोटा बड़ा होता है। वह लकड़ी का तखत जिसको सिख लोग अकाल तखत कहते हैं, वह तो छोटा बड़ा नहीं होता। यह किसी को भी पता नहीं है कि सब मनुष्य मात्र का अकाल तखत यह भ्रकुटी है। आज बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि यह सबको समझाना है कि आत्मा का वास्तव में तखत यह शरीर है, और इसमें भी भ्रकुटी में आत्मा निवास करती है। आत्मा अकाल है, कब विनाश नहीं होती। आत्मा को तखत भिन्न भिन्न मिलते हैं अर्थात भिन्न भिन्न शरीर मिलते हैं। सतयुग में तुमको बड़ा फर्स्ट क्लास तखत मिलता है, उनको कहेंगे गोल्डन एज तखत। फिर उस आत्मा को सिल्वर एज को पर आयरन एज तखत मिलता है। फिर गोल्डन एज तखत चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएंगी, फिर तुमको ऐसा देवी तखत मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तखत है, पुरुषोत्तम संगम युग का तखत है, फिर मुझ आत्मा को यह देवताई तखत मिलेगा। यह बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते हैं। देह अभिमान में आने के कारण एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इनको दुख धाम कहा जाता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं शांति धाम को याद करो,
जो तुम्हारा असली निवास स्थान है। सुखधाम को याद करो, इनको भूल जाओ, इनसे वैराग्य। ऐसे भी नहीं सन्यासियों मिसल घर बार छोड़ना है। बाप समझाते हैं, वह एक तरफ अच्छा है, दूसरे तरफ बुरा है, तुम्हारा तो अच्छा ही अच्छा है। अंडरलाइन, बाबा कहते हैं घर बार छोड़ना एक तरफ अच्छा भी है, दूसरे तरफ बुरा भी है, लेकिन तुम जो बेहद का संन्यास करते हो यह अच्छा ही अच्छा है। उनका हठ योग अच्छा भी है बुरा भी है, क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता जरूर चाहिए, तो उनमें भी मदद करते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, बाप का भी आना यहाँ होता है। तो जहाँ पर बेहद का बाप आते हैं वह सबसे बड़ा तीर्थ हो गया ना। बाबा ने आज फिर स्मृति दिलाई कि शिव बाबा स्वयं भगवान जहाँ आते हैं वह है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ। सर्व की सदगति बाप ही आकर करते हैं, इसलिए भारत ही ऊंचे ते ऊंच देश है। मूल बात बाप समझाते हैं, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बतलाते। बाप मन मनाभव का अर्थ बताते हैं, देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, अनादि अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पार्ट है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते हैं, स्वर्ग में तो आ ना सके। पिछाड़ी को आने वाले वहाँ ही थोड़ा सुख और वहाँ ही थोड़ा दुख पाते हैं। जैसे दीपावली पर मच्छर कितने निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वालों की क्या वैल्यू रहेंगी। बाबा कहते हैं यह तो ऐसे ही मच्छरों जैसा जीवन हो गया ना, आए और गए जैसे जानवर मिसल ठहरे। तो बाप समझाते हैं यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य, कलयुग में कितनी वृद्धि हो झाड़ बड़ा हो जाता है। मुख्य बात बाप ने इशारा दिया है, गृहस्थ व्यवहार में रहते माम एकम याद करो। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो, याद करते करते आखिरीन पवित्र बन बाप के पास चले जाएंगे, तो स्कॉलरशिप भी मिल जाएंगी। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े, सजाएं खाते हैं, फिर पद भी कम हो पड़ता है। हिसाब किताब चुकतू तो सबको करना है, इसलिए बाबा कहते हैं जो हिसाब किताब रहा हुआ है उसको याद से चुकतू करना है, तो स्कॉलरशिप मिलेंगी, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। जो भी मनुष्य मात्र हैं अभी तक भी जन्म लेते रहते हैं, इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियंस की संख्या ज्यादा है, वह फिर सेंसिबल भी हैं। भारतवासी तो 100% सेंसिबल थे, सो अब फिर नॉन सेंसिबल बन गए हैं, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी यही पाते हैं, वह तो आते ही है पीछे। बाप ने समझाया है क्रिश्चियन डिनाइस्टी का श्री कृष्ण डिनाइस्टी से कनेक्शन है, क्रिश्चियन ने राज्य छीना फिर क्रिश्चियन डिनाइस्टी से ही राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उन्हों को भारत से ही मदद मिलती है। अभी भारत भूखा मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है, यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरत आदि वहाँ ले गए हैं, बहुत धनवान बने हैं, तो अब फिर धन पहुँचाते रहते हैं। बाबा कहते पहले लिया है अब रिटर्न कर रहे हैं, उनको मिलने का तो है नहीं, तो अब तुम बच्चों को तो कोई पहचानते नहीं है, अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुम ही ईश्वरीय संप्रदाय हो, जो ईश्वर की राय पर चलते हो वही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से देवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा है। बाबा कहते यह अर्थ कितना अच्छा है, हम जिसको समझ नहीं पाते थे और बाबा ने आकर कितना सरल समझा दिया। हम पहले सर्वगुण संपन्न थे सो अब फिर बन रहे हैं, यह बाजोली का खेल है, जिसको समझना बहुत सहज है परंतु माया भुला देती है, फिर देवी गुणों से आसुरी गुणों में ले आती है।
अपवित्र बनना आसुरी गुण है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एज तखत शरीर मिलेगा। दूसरा, इस दुख धाम से बेहद का वैराग कर अपने असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर किसी को दुख नहीं देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। स्पष्टीकरण है, चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिमान बाप साथ हैं तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। आज बाबा ने सहज योगी स्थिति बनाने के लिए कहा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो उसमें हलचल में कभी नहीं आओ, और अचल स्थिति बनाने का आधार बताया कि अंदर निश्चय हो कि जब हमारे साथ सर्वशक्तिमान बाप हैं तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता। आज का स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। आज 5 अक्टूबर का अव्यक्त इशारा है, बाबा कहे संस्कार मिलन की रास करने के लिए कुछ मिटाना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा। यह मेरे संस्कार है, यह शब्द भी मिट जाए। इतने तक मिटाना है जो पुरानी नेचर बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। जितना 1-2 के समीप आते जा रहे हो उतना 1-2 को सम्मान देते चलो। सम्मान देने से संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। आज बाबा ने संस्कार मिलन की सहज विधि बताई कि दूसरों को जितना सम्मान देते जाएंगे उतना संस्कार मिलन सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।